सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के चल रहे आंदोलन का समर्थन वाम दल कर रहे हैं। इसी क्रम में मोर्चा के 26 मार्च को देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। वाम दल इस बंदी को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। उपरोक्त बातें भाजपा के राज्य सचिव एवं हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता में दी। श्री मेहता ने बताया कि बंदी का समर्थन करते हुए राज्यव्यापी आंदोलन को सफल बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व 25 मार्च को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस एवं 24 मार्च को नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। श्री मेहता ने यह भी कहा कि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत पर कार्यक्रम किया जाएगा। हजारीबाग में इस अवसर पर भाकपा, माकपा एवं राजद द्वारा रैली निकाली जाएगी। पत्रकार वार्ता में भाकपा के जिला सचिव कृष्णा कुमार सहित भाकपा मक्सरवादी के जिला सचिव गणेश कुमार सीतू, जिला अध्यक्ष संजय मलिक सहित कई अन्य उपस्थित थे। वामदल राजद की बैठक हुई 17 तारीख को रांची में। हम लोगों ने इस बंद का समर्थन किया है। समर्थन ही नहीं बल्कि इसको सफल बनाने के लिए सभी अपने साथियों को, नेताओं को सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। इसी सिलसिले में 23 तारीख को, 23 मार्च को शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत के दिन सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन सेमिनार करने का फैसला लिया गया है और भगत सिंह के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सेमिनार भी किया जाए, यह हम लोगों ने तय किया है। इसी के साथ हम लोगों ने तय किया है कि 24-25 को दोनों दिन नुक्कड़ सभा प्रचार प्रसार करके 26 मार्च के बंद को सफल करने के लिए कोशिश किया जाए। साथ ही साथ 25 तारीख को शाम को सभी जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकलेगा और 26 तारीख को सभी दल के लोग, उनके कार्यकर्ता, सभी दल के लोग सड़क पर उतरेंगे। हम वाम दल की ओर से, राजद की ओर से, हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं से भी अपील किया है कि वो भी इस बंद को सफल बनाने में हमें साथ दें, सहयोग करें और यह तमाम आंदोलन जो होगा 23 से लेकर के 26 तक संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले होगा। वाम दल राजद उसका समर्थन करें। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।